सीख कबाब की ऐसी रेसिपी जो मुंह में जाने के बाद फौरन ही घुल जाए और उसे हम बहुत ही आसानी के साथ घर में बना लें। तो अगर आप ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं तो ये रेसिपी परफेक्टली आपके लिए है। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज हम बनाने वाले हैं मटन के ऐसे सीख कबाब जो मुंह में जाने के बाद घुल तो जाते हैं लेकिन बनाना इसको उतना ही आसान है। अगर आपके पास ओवन ना हो, तंदूर ना हो, तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ घर में भी पैन में ही बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई जरूर करना, बहुत आसान है इसको बनाना। और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो, इस जबरदस्त से कबाब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज ली है, उसे रफली स्लाइस कर लिया है, एक मुट्ठी के करीब हरा धनिया लिया है और थोड़ी हरी मिर्च ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप हरी मिर्चों को ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक चॉपर में बारीक से चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद हाथों से इनका सारा पानी निकालेंगे निचोड़ करके, और उसके बाद हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकलता है इसको हाथों से निचोड़ने के बाद। लेकिन अगर आपके हाथों में हरी मिर्चें लगती हैं ना, तो ग्लव जरूर पहन लीजिएगा, मतलब हरी मिर्चों की अगर तीखापन लग जाए हाथों में तो। अब इसी चॉपर के अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे जिसमें हमने हरा धनिया वगैरह चॉप करा है ना, उसी के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गोश्त ऐड कर लेंगे और इसे बारीक सा पहले फाइन सा पीस लेते हैं। उसके बाद हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने प्याज को रखा है। ये देखा आपने, हमने जिसमें प्याज और हरा धनिया रखा है ना, उसी में हमें इसे ट्रांसफर कर लेना है। अब फिर से हम चॉपर लेंगे और थोड़ा सा जब गोश्त हमारा बचा रहेगा ना नीचे में, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 स्लाइस ब्रेड की और इसे बारीक सा हम फाइन पीस लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बाइंडिंग जो होगी ना बहुत ही ज़बरदस्त होगी हमारे कबाब की। अब जो हमने इसे भी बारीक सा पीस लिया है ना, इसे भी हम शामिल कर लेंगे अपने कबाब जो हमने पीस के रखे हैं, जितना भी गोश्त और हरी मिर्चें वगैरह जो हमने चॉप करके रखी हैं उनके साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही सिंपल से मसाले, आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर ना हो तो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड करा है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के करीब अनारदाना। अब लेंगे हम यहाँ पर कबाब का मसाला। सीख कबाब का मसाला इजीली बाजार में अवेलेबल होता है, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि बयान नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सीख कबाब के मसालों को ऐड करा था जिसका वीडियो स्किप हो गया है, और साथ में 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड का सीख कबाब का मसाला लेकर के आना अगर आप सीख कबाब की प्रिपेरेशन कर रहे हो। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी ना। साथ में 1 अंडा डाल देना इसके अंदर और साथ में इसको कर लेना प्रॉपर तरीके से हाथों से बाइंड। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ना थोड़ा हाथों को गंदा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चम्मच से आप मिक्स तो कर लोगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आप हाथों से इसको मिक्स करने के बाद लेकर के आओगे। आप कबाबों में शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब देसी घी का इस्तेमाल करा है। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हो तो 2 चम्मच बटर का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन इसको डालना ज़रूर। इससे क्या होता है ना कि कबाब आपके बिल्कुल शाइनी शाइनी से बनते हैं क्योंकि गोश्त सूखा सा है। अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे चारकोल का स्मोक। इसके लिए 1 एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी ऐड करने के बाद इसमें जलता हुआ कोयला ऐड करेंगे, थोड़ा सा तेल पोर करेंगे और इसे ढक देंगे। फिर 15 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे और फिर से एक बार इसे अच्छी तरीके से पहले हाथों से मिक्स करने के बाद सीखें। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप किसी भी पेंसिल वगैरह को ले लें और इसके ऊपर आराम से जैसे मैंने आपको दिखाया है, शो कराए, उसी तरह से आपको ना सारे कबाब को सीखों के ऊपर असेंबल कर लेना है। और अगर आपके पास सीख ना हो और आपके पास पेंसिल भी ना अवेलेबल हो तो मैंने आपको बाजार की जैसे सीख कैसे घर में तैयार करते हैं उसका भी तरीका अपने पुरानी कबाब की वीडियोस में बता रखा है। आप वहां जाकर के चेक कर लेना कि घर में आसानी से हम सीखें कैसे तैयार कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको शो करा है उसी तरह से हमें हाथों से प्रेस करते हुए इनको सीखों को तैयार कर लेना है। बस हाथों को गीला करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा कि गोश्त आपके ना सारे प्रॉपर तरीके से असेंबल होते चले जाएंगे और हाथों पे बिल्कुल भी गोश्त नहीं चिपकेगा। बहुत ही आसान है इसको असेंबल करना, आप बिल्कुल ज़रा सा पेशेंस के साथ आप इसको करेंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी सीखें घर में तैयार हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका होता है इसको असेंबल करना। और अगर आपकी सीखें एक बार तैयार हो गई ना तो इसको आप चाहें तो अब ओवन में इसको सेक लीजिए, या इसको शेप देने के बाद आप चाहें तो इसे एयर फ्राई में भी पहले अच्छी तरीके से इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको सेक लें, उसके बाद पैन में डाल करके इसको फ्राई कर लें। एयर फ्रायर में इसको सेकने के बाद या ओवन में इसको सेकने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसे टर्किश लुक देने के लिए इस तरह से अंगूठे का भी शेप दे सकते हैं, और अगर आप गोल कबाब बनाना चाहते हैं तो गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। मेरे तो कबाब बनाते बनाते पूरे के पूरे कबाब गायब हो जाते हैं, बिल्कुल तकरीबन ना के बराबर बचते हैं मेरे पास तो। आप यकीन जानिए इतना आसान है इसको बनाना ना कि बयान नहीं कर सकते। अब सारी सीखें हमारी तैयार हो चुकी हैं, इसी तरह से आपको भी सारी सीखों को तैयार कर लेना है। और अगर आपके पास ना एयर फ्रायर हो, ना आपके पास ओवन हो और ना ही तंदूर हो, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकालें? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इसको डायरेक्टली ही गैस के ऊपर इस तरह से सेक लेना है, जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ। इससे होगा क्या कि आपके कबाब ना प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, और फिर आप इसको आसानी से हाथों से खींचने के बाद आप इसको बाहर निकाल सकते हो, और आप चाहो तो आप इसको फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हो। बस इसे हल्का सा सेक लेना है गैस के ऊपर, अगर आपके पास ओवन वगैरह ना हो तो। फिर आपका जब भी दिल चाहे आप इसे फ्रीजर से निकालो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जब भी दिल करे ना तो ये कबाब की रेसिपी को फुल एंजॉय करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आपके गेस्ट आ रहे हो तो पहले से बना करके आप फ्रीजर में डाल दो, आपका काम भी हल्का हो जाएगा। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कितना आसान से हम दस दो उंगलियों से इसको खींचेंगे ना, ये पूरा कबाब हमारा बाहर आ जाता है। बस इसी तरह से आपको बिल्कुल अपने कबाबों को हल्का सा सेकने के बाद फ्रीज़र में स्टोर कर लो आप इसको। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, खाने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी सिंपल और इतने आसान कबाब तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको बनाने के बाद। ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी बनी कैसी। अब हम सारे कबाबों को एक साथ असेंबल करने के बाद अच्छी तरीके से हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे हल्का सा तेल। ज़्यादा हमें तेल के अंदर इसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई नहीं करना है, बल हल्का सा सौते करना है। इसके लिए हम पैन को सिर्फ ग्रीस करेंगे, और ग्रीस करने के बाद एक एक करके हम इसके अंदर कबाब असेंबल करते चले जाएंगे और धीमी आँच के ऊपर इसे प्रॉपर तरीके से सेक लेंगे अलटते पलटते हुए। और अगर आपको लगे कि आपके चम्मच चलाने से आपके कबाब टूट रहे ना, तो आप हल्का सा पैन को उठा करके हिला लेना। इससे क्या होगा कि आपके कबाब ना टर्न हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे कवर करेंगे और ढक करके इसको भाप के अंदर धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपके लाजवाब से बाजार से भी अच्छे ना फ्रेश कबाब घर में ही रेडी हो जाएंगे। अब आप चाहो तो इसे एयर फ्रायर में बनाओ, ओवन में बनाओ, या आप इसको कोयले पे ग्रिल कर लो। जिस तरह से भी आप इस कबाब की रेसिपी को ट्राई करोगे ना, आपको अमेजिंग ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए, हमारे कबाब तो हो गए हैं रेडी, हम चले इसको सर्व करने। आप भी जरूर ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दे देना, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ इसे लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करके जाना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए, तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज और वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इन्जॉय यो ज़बरदस्त सीख कबाब।